नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 9212 पद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 400 फार्मासिस्टों की तैनाती होगी। अभ्यर्थी सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताया था आपको वीडियो के माध्यम से, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लीजिए। किन किन जिलों का देखिए दोस्तों, किन किन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो 400 फार्मासिस्ट की तैनाती हुई है और डॉक्यूमेंट एकदम पारदर्शिता तरीके से होगी। दोस्तों अभ्यर्थी एक एक डॉक्यूमेंट को तैयार कर ले। दोस्तों जो भी न्यूज़ बताता हूँ रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों। आज आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि इसी सप्ताह में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो गया, यह देखिए आपको दिखा रहा हूँ। यह देखिए दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं दिखा रहा हूँ। प्रेषक में दिया है निदेशक प्रशासन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी। देखिए दोस्तों कहां कहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी और संख्या निदेशक कैंप भी देख सकते हैं 664। और अभी यही 31 तारीख में दोस्तों यह रिलीज हुआ है। कैसे देखिए, ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु इसमें साफ साफ दिया गया है। दोस्तों विषय में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9212 पदों पर चयन हेतु अगले चरण में 17713 अभ्यर्थियों के अभिलेख के सत्यापन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में है। महोदय उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 9212 पदों पर चयन हेतु अगले चरण में 17713 अभ्यर्थियों के अभिलेख के सत्यापन की कार्रवाई विभाग द्वारा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे हेतु संलग्न सूची के अनुसार कार्मिकों की आवश्यकता है। तो दोस्तों जो सूची में दिखा रहा हूँ आपको उसमें बहुत से जो कार्मिक हैं, अतः आपसे को निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची से संबंधित कार्मिकों का त्रुटि रहित मोबाइल नंबर अंकित करते हुए आज ही अपराह्न 3 बजे, मतलब 3 बजे दोस्तों, इस मेल आईडी पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त सूची के को मुख्य सचिव तक महोदय को अवलोकन कराया जा सके। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन भी है, देख सकते हैं डॉक्टर राजा गणपति आर। और इसके बाद देखिए जो तैनाती हुई है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं आप, सबसे पहले नंबर पर श्री पुरुषोत्तम कुमार पांडे जी हैं, लखनऊ CMO इकाई वरिष्ठ सहायक पद पर हैं। ये जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जिनका लखनऊ में रहेगा, लखनऊ में है दोस्तों, देख सकते हैं आप, हरदोई में भी है। ऐसे करके जो है 400 कर्मिकों का जो है तैनाती की गई है केवल डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। तो अब आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, बहुत कुछ इसमें दिया गया है और बहुत अच्छे से आप लोग सभी डॉक्यूमेंट तैयार करिए। सबसे लास्ट पे जो है 400वें नंबर पर श्री अतुल शर्मा जी हैं फार्मासिस्ट, सभी फार्मासिस्टों की ही तैनाती दोस्तों की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब आप लोग जो है, और इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फार्मासिस्ट भी हैं और डी और ए भी जी हैं, और ऐसे दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं इसमें बहुत से और वरिष्ठ सहायक भी हैं, मतलब फार्मासिस्ट और कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सभी लोगों की ड्यूटी इसमें लगाई गई, आसुली तक की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो अब आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले। दोस्तों जो भी न्यूज़ बताता हूँ रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों, मैंने कहा था कि आप लोगों का इसी सप्ताह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए दोस्तों आज ही मैंने बताया था और आज शाम तक जो है नोटिफिकेशन आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले आपको न्यूज़ मिलेगी, सबसे पहले मिलेगी। जैसे मैं अपलोड करूँगा वीडियो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जान ही नहीं पाते हैं कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कब जो है क्या क्या प्रमाण पत्र लगने हैं। तो इन सब चीज़ को देखते हुए दोस्तों मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो और अपडेट लेकर आता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी एनएम संविदा बहनें जो हों, चाहे फ्रेशर बहनें हों, जो लोग पेट के माध्यम से मुख्य परीक्षा दी हैं, वह सभी लोग को यह जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों धन्यवाद।